फ्रेंड्स, यूक्रेन के एक मैथमेटिशियन जिनका नाम है पावेल उरिसन, इनकी उम्र बहुत छोटी थी। 3 फरवरी 1898 में इनका जन्म हुआ था, 17 अगस्त 1924 को इनकी डेथ हुई थी। मतलब कि सिर्फ 26 वर्ष ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी के जी पाए थे, उस पर इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस छोटी सी उम्र में इन्होंने एक ऐसी रिसर्च की है जिससे हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है टोपोलॉजी, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि उरिसन लीमा उरिसन मेट्राइजेशन थ्योरम। फ्रेंड्स, ये जो थ्योरम है इन्हीं के नाम पर रखी गई है और इन्होंने 24 या 25 वर्ष की उम्र में इस थ्योरम को इन्होंने फाइंड आउट किया था। इनके बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ। जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक टीचर थे और मैथमेटिशियन भी थे, दिमित्री फेडोरोविच इगोरो। इनसे दो क्वेश्चन करते हैं, सिंस ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री के मैथमेटिशियन थे, मतलब टीचर थे। सो इनसे दो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन था कि इंट्रिंसिक टोपोलॉजिकल डेफिनेशन, एंड जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी इसी से कुछ सिमिलर था। अब ये क्वेश्चन इनके ऊपर जब आया, इन्होंने काफ़ी टाइम तक उसके बारे में सोचते रहे इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, परंतु इनका राइट आंसर इनको नहीं मिला था। एक बार ये अपने फ्रेंड्स के साथ और यंग मॉस्को के मैथमेटिशियंस थे जो उनके साथ एक बर्को विलेज करके है, वो कालिजमी बैंक के जो मतलब कालिजमी रिवर है उसके किनारे ये लोग हॉलीडे अपना स्पेंड करने गए थे। और कई दिनों के बाद ये उस क्वेश्चन को सोचने के बाद एक दिन सडन से ये मॉर्निंग में उठे, वो अगस्त का महीना था, और अपने एक फेलो मैथमेटिशियन थे अलेक्सेंड्रो को इन्होंने बताया कि हमने डायमेंशन की एक राइट डेफिनेशन डिस्कवर किया है, कि जो डेफिनीशन हो सकती है डायमेंशन की क्या करेक्ट डेफिनीशन है। और वो बोले कि ये एक इंस्पिरेशनल है। उस पर फिर उन्होंने काम किया, अपने टीचर्स को दिखाया और काफ़ी इम्प्रेस हुए थे इनसे, हिल्बर्ट लेबेक जैसे मैथमेटिशियन। और ये एक इंस्पिरेशनल रहे थे, इनके बारे में एक लॉन्ग स्टोरी है इनके लाइफ के बारे में, बट मेन ये इनका जो काम था वो था टोपोलॉजी में, जो उरिसन लीमा और उरिसन मेट्राइजेशन थ्योरम इन्होंने दिया था। तो फ्रेंड्स, इनका आज बर्थडे है, इनके बारे में मैं इतना ही बताया था। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो के साथ, तब तक सुनते रहिए मैथ टेल।